इलाके दहशत का माहौल बन चुका है। लोग काफी ज्यादा सहमे हुए ने। तो दस दिए कि इस दौरान जी गर्भवती महिला है वह भी बेहोश हो जाती है। तो मौके की तस्वीर असं तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं जिथे गैस लीक हुई है। तो उस तो बाद दे विच जिथे लोग ज्यादा काफी ज्यादा सहमे हुए ने। तो दहशत का माहौल पूरे इलाके दे विच बनिया होया है। हालांकि मौके उत्ते जिहड़ी पुलिस प्रशासन भी सद ली गई है ते नाल ही प्रशासन वालों जिहड़ी है NDRF दीआं टीमां भी मौके उत्ते सद लईआं गईआं ने। तां इक वार मुड़ तों जिहड़ी है गैस लीक हो जाण दा मामला सामने आया जिथे इलाके दे विच जिहड़ा दहशत दा माहौल पैदा हो गया। तां इस बाबत तुहानूं जानकारी दिंदिआं होइआं दस दिंदे हां कि उस ये पूरा मामला जिहड़ा है लुधियाना के ग्यासपुर इलाके का है जिथे एक बार मुड़ तो जिहड़ा गैस लीक हो जाण दा मामला सामने आया। पर उत्थे इस बाबत एक होर जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर दिंदे हां कि ग्यासपुर इलाके दे विच एक गर्भवती महिला जिहड़ी है गुजर रही हुंदी है। तो उस मौके वह बेहोश हो जाती है। तो लोगों का यह कहना है कि गैस लीक होने दे नाल जिहड़ी है गर्भवती महिला है वह बेहोश हो चुकी है। तो लोगों वालों उस मौके पर जिहड़ा हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया वह जेरे इलाज है। तो पर उत्थे दूजे पासे जदों ये गैस लीक हो जाने की खबर इलाके दे विच फैलदी है तो लोग मुड़ तो सहम जाते हैं क्योंकि इस तो पहला भी लुधियाने के इसी इलाके दे विच इसी थां उत्ते गैस लीक हो जाने का मामला सामने आया सी जिथे भी तो वध मौतां होईयां सन। ते एक बार मुड़ तो जिहा एक मामला जदों सामने आता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए ने। तो पूरा मामला जिहड़ा है लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके का है जिथे मुड़ तो लोगों के विच दहशत जिहड़ी है बन चुकी है क्योंकि एक महिला जिहड़ी है वह बेहोश हो के सड़क पर डिग जाती है। तो जिस तों बाद वह बेहोश हुई है या फिर होर कारण भी बन सकता है। तो इस नूं लैके हर पहलू की जिहड़ी है जांच टीमों वालों की जा रही है। तो तुहानूं एक बार दस दिए कि 30 अप्रैल नूं एक अजिहा ही मामला सामने आता है लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके तो जिथे गैस लीक हो जाती है। तो उस दौरान करीब 20 तो वध मौतां हो जांदियां ने। तो उस तो बाद दे विच लोकां दे विच डर सताण लग पिया है कि मुड़ तो गैस लीक हो सकती है कि गैस लीक होने दे नाल ही जिहड़ी है महिला है वह बेहोश हुई है। तो उत्थे ही हर पहलू दे नाल जिहड़ी है जांच की जा रही है। इलाके नूं जिहड़ा सील कर दिता जा रहा ते नाल ही जो नगर निगम दीआं टीमां भी आ वह भी मौके उत्ते पहुँच चुकियां ने। उन्हां वल्लों गटर खोल के सीवरेज लाइन की जांच की जा रही है कि कारण की बनया है इस गैस लीक हो जाण दा। गैस लीक हुई है या फिर महिला जिहड़ी गर्भवती सी ओह कमजोर सीगी या फिर वह वीकनेस सीगी इस करके उस गर्भवती महिला जिहड़ी है वह बेहोश हुई है। सारे कारणों का जिहड़ा पता लगाया जा रहा है टीमों वालों। मौके दी तस्वीर जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जिथे पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया। पर उत्थे ही जे अधिकारी की गल की जाए जो कि मौके की स्थिति उत्ते पूरा जायजा ले रहे हैं तो उन्हां दा कहना है कि एक गर्भवती महिला सीगी शायद कमजोरी करके जिहड़ा है बेहोश हो जाती है क्योंकि लोगों के विच डर इस करके बनिया होया है क्योंकि उही थां है जिथे पहला भी एक बार गैस लीक हो जाने की खबर जिहड़ी है गैस लीक हुई सी जिस तों बाद लोगों के विच दहशत बन गई सी। तो हुण फिर तो यह डर लोगों नूं सता रहा है कि मुड़ तो जिहड़ी है गैस लीक हुई है इस करके जिहड़ी महिला है वह बेहोश हुई है। तो जिसनों लैके हर टीमों नूं जिहड़ा मौके उत्ते सद लिया गया जिन्हां वल्लों बरीकी दे नाल हर एक पहलू की जिहड़ी जांच की जा रही है। उत्थे दे इलाके दे लोकां नूं किथे सुरक्षित थावां उत्ते पहुँचा दिता गया पूरे इलाके नूं। NDRF की टैक्निकल टीम लेट हिम चेक, उन्होंने चेक कर लैन दिओ, चेक करके जो भी आता फिर तुम अच्छी देते। बेहोशी लेडी हुई सी, वो फार्मेसी प्रैगनेंट है तो पहले ब्रेथलेस सी, वीक सी, तो वो हसबैंड भी गल हुई है। फिर जिते हॉस्पिटल दाखिल कराया उत्थे भी हिस्ट्री पूछे है, वो कहते प्रैथलेस से मेरे पहले ही सी। वो एक नैचुरली होंगे कि जो लेडी प्रैगनेंट है वोमिटिंग आदि हो चक्कर आते, जो लेडी तुरेगी हो जाता इंसीडेंट कि उन्होंने चक्कर आ जाए। बाकी असं मौके पर खड़े, तुम भी खड़े हो विदाउट मास्क है ना, तो कोई इदा की कोई वो गैस का कोई वो नहीं है। ईवन कि थर्म अपने जी कॉरपोरेशन के मीटर से भी चेक करवाया अभी, जिन्हें भी नज़दीक के सारे गटर उसके एचपीएस जीरो आ जाए। इलाके दहशत का माहौल लोगों को दहशत में लोगों ने यही कहेंगे डरने वाली 1% भी गल नहीं है।
कोई एचटीसी ऐसे नहीं है। वो लेडी एक प्रैगनेंट सी वो बींग सारी लेडीज़ को पता ही होता है कि चक्कर आना एक नैचुरली कई बार आ जाते हैं वीकनेस करके वो करके आए कि हूँ बिल्कुल ठीक है लेडी और हसबैंड भी गल हो गई है उन्होंने भी हो गई है खा पी रही है इस करके असी लोगों को इतने खाली भी करवा देता हौली हौली इन्हों के सैंपलिंग तो जिदा सूँ आती है रिपोर्ट असी भेज देंगे डरन की कोई लड़ नहीं है मेरे वालों तुहाडे वालों माध्यम राही यही कहना चाहना एक परसेंट घबराने की लड़ नहीं है एचक्यूएस का कोई रोल नहीं इलाका जी असी एवैकुएट करा दिता जेहड़े लोग सके उन्होंने असी कह दिता कि तुम थोड़ी टाइम लिए जिन्हें साड़ी सैंपलिंग नहीं होंगी तुम अगे पिछे बच्चे अपना सेफ साइड हो जाओ ताकि ये क्लीयर हो जाए किसी ने भी एक परसेंट का चांस ना रहे कि कोई गैस करके अगर आती है तो उन्होंने चढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल जिदा थानू फोन आया प्रशासन तो उस वे पहुँच चुका है हूँ NDRF आते टाइम लगता है देख लो मौके पर पहुँच चुकी है वो अपने सैंपल्स लै रही है जो भी रिपोर्ट आती है तुम्हें दस NDRF आ रही है NDRF आ गई टेक्निकल टीम लेट लेट हिम चेक।